नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों देख सकते हैं मेरे सामने कंप्यूटर रखा हुआ है और आप जैसे जानते हैं मैं कंप्यूटर और लैपटॉप का वीडियो बना करके आप सामने पेश करता रहता हूं। आप सब लोग का प्यार मिलता रहता है, बहुत अच्छा लगता रहता है। लेकिन कुछ लोग कमेंट मेरे पास आ रहा था कि सर हम कंप्यूटर और लैपटॉप सीखने के इच्छुक तो हैं लेकिन हमारा थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है, क्या हमको आप गाइड कर सकते हैं कंप्यूटर के अलावा इंग्लिश सीखे कैसे और कंप्यूटर चलाना एक्सपर्ट अच्छे से बन सके? तो इसीलिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ इंग्लिश के एक्सपर्ट मिस्टर पुनीत अग्रवाल जी को, जो कि मैं जैसे जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर में रहता हूँ और गोरखपुर के अंदर एक बड़ी संस्था, इसका नाम है स्काई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसी के डायरेक्टर हैं ये। और इनसे समझेंगे सर कि जो लोग मतलब इंग्लिश में कमजोर हैं उसको कैसे वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर सीखने में उनको काम आ सके। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पुनीत अग्रवाल जी का। पुनीत अग्रवाल जी, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल। मेरे वीडियोस को जो है ज्यादा उम्र के जो है 20 साल से लेकर के 27 साल बच्चे आज देखते रहते हैं, तो देखता हूँ कि वो लोग चाहते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप में एकदम एक्सपर्ट बन जाए। तो मान लीजिए कि ऐसा भी कुछ क्राइटेरिया है क्या कि मतलब इतना पढ़ाई किया है आपने तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कि मतलब कि कम पढ़े लिखे तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं? देखिए, इंग्लिश एक भाषा है। अगर किसी को किताब लिखनी है तब तो उसको ग्रामर और उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ भाषा के रूप में लेनी है तो जैसे आप बंगाल जाएंगे तो आपको बंगाली पढ़नी नहीं पड़ेगी, वहाँ के माहौल से ही आप सीख जाएंगे। बंगाली बोलना एक अलग चीज़ है, तो इंग्लिश भी एक भाषा है और जो चीज़ आपको आ जाती है भाषा जब बोलने आ जाएगी तो इंग्लिश लिखना भी धीरे धीरे आ जाएगा। स्पेलिंग्स वगैरह पे थोड़ा सुधार करना होता है, इसके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं कि हाई स्कूल से भी कम अगर है तो उसको इंग्लिश नहीं आएगी। किसी भी एज में किसी भी मतलब इसका कोई बैरियर नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, एक भाषा है। मतलब कहने का तात्पर्य किसी उम्र का कोई व्यक्ति भी इंग्लिश सीखना चाहता है सीख सकता है? कोई भी उम्र का व्यक्ति हो, हमारे यहाँ भी 8th-9th के बच्चे आते हैं वो सीखते हैं और वो सिर्फ एक लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं, भाषा के रूप में सीखते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का मतलब चलाते रहते हैं तो वहाँ पे जो आपके पास जो लोग आते हैं ये मतलब कैसे रहते हैं? अगर वो लोग आते हैं जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है उसको क्या आप लोग मतलब कुछ पिला देते हैं, क्या खिला देते हैं कि वो इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट हो जाता है? ये कुछ ऐसा कुछ नियम कानून लोग करते हैं कि मतलब कि पढ़ाने से उसका इंग्लिश अच्छा होता है? जोगिंदर जी, आपने 1,20,000 सब्सक्राइबर बनाए हैं, ये मामूली बात नहीं है और इसके लिए आपने ना किसी को कुछ खिलाया होगा ना पिलाया होगा। ये प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को निरंतर करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट आता है। जो गांव देहात से इंटीरियर के प्रोवेंशियल बेल्ट में इंटीरियर से आते हैं जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, जिनको पढ़ना भी नहीं आता है, जिनको ही शी का भी नहीं मालूम होता कहाँ लगेगा, ही और सी उनको ये भी नहीं मालूम है ही और शी का लगेगा, विच वाई व्हाट मतलब क्या होता है उनको ये भी नहीं पता है। ऐसे में हम एक टेस्ट लेते हैं, उनका लेवल देखते हैं, अगर वो बच्चा कमजोर है उस लेवल का है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम 15 बच्चों का एक बैच अलग से बनाते हैं जिसका नाम स्टार्टिंग। इसमें सारा फोकस हमारा उनका बेसिक ठीक करने का होता है, इंग्लिश के शब्दों से उनको फैमिलियर करते हैं, उनके उच्चारण पे वर्क करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसका उच्चारण कैसे होगा, वाल्क वॉक जो बोलते हैं, टॉक बोलते हैं उसको वाल्क बोलते हैं, वो स्पेलिंग पकड़ पकड़ के बोलते हैं, तो उनके उच्चारण को ठीक करना, प्रोनंसिएशन को ठीक करना, शब्दों का जी या एनवायरमेंट या आसपास की हमारी जो चीज़ें हैं या छोटे छोटे एक्शन वर्ड, जाने को, आने को, खाने को, पीने को, उठने को, बैठने को, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो बहुत बेसिक पे वर्क करते हैं 1 महीना। जब ये क्लियर हो जाता है तब उनको दूसरा जो कोर्स है उसके आगे नॉलेज, जिसमें हम ट्रांसलेशन सिखाते हैं, बहुत फोकस रहता है डर को ख़त्म करना, हेजिटेशन ख़त्म करना, और वो होता है अभ्यास। यही पढ़ बताऊँगा मैं आपको। देखिए, मेरे पास एक मतलब कि सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, तो कह रहा था सर मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं कंप्यूटर को चलाता हूँ मुझे डर लगता है, एकदम छूने में डर लगता है कोई वाली फाइल गायब ना हो जाए, कोई वाली फाइल गायब ना हो जाए। तो सर ने बड़ा अच्छा बताया हुआ है कि डर जो है बहुत बड़ा दुश्मन इंसान का है, जब तक आप डरेंगे कि हाँ ये काम करने से तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपने अंदर से डर को निकालिए, चाहे इंग्लिश सीखने की बात हो जाए, सही बोलो सर ना, या कंप्यूटर सीखने की बात हो जाए या लैपटॉप सीखने की बात हो जाए, इतनी बात है ना, तो समझिए। तो कंप्यूटर और लैपटॉप सीखने के इच्छुक आप हैं और सीख रहे हैं ना, तो दिन पे दिन मेहनत करते जाइए। एक सर और सवाल पूछूंगा सर से मैं, सर देखिए इंग्लिश सिखाते समय आपको कितना साल हो गया और कैसे कैसे लोग आपने इंग्लिश सिखाया हुआ है अपने लाइफ? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। टोटल देखिए 14 साल हो गए हम लोग को, 2008 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था और अब तक 18,000 से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने ट्रेन किया है। हमारा मेन फोकस स्पोकन इंग्लिश के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है कि वो जब एक चीज़ रखूँगा सर मैं आपको, ऐसा बहुत बार हुआ होगा कभी गांव का लड़का आपके पास आया होगा 14 साल के दरमियान में भी, वो एकदम भोजपुरी बोला होगा, इंग्लिश का ABCD जानता नहीं होगा, कभी 2-4 साल बाद आपके पास दोबारा लौट के आया होगा और इस तरीके से बात किया होगा, आप आश्चर्यचकित रह गए होंगे, अरे यार ये तो वही लड़का है जो इतने बात कर गया होगा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ में सर?
2019 में हमारे पास एक लड़का आया और बहुत स्मार्ट सा था, और फिर उसने बताया कि सर आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट इन 2009, आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम हियर एंड नाउ करंटली आई एम रेसिडिंग एट इन यूके। वो ब्रिटिश मतलब वहाँ यूके में रह रहा था, वहाँ वो जॉब कर रहा था, और वो 10 साल बाद आया था ये बताने कि सर मैं 10 साल पहले यहाँ से इंग्लिश सीखा था। अच्छा, ऐसे और उसी की वजह से मैं आज लाइफ में इतना आगे बढ़ पाया। देखिए सुनीत अग्रवाल जी थे और गोरखपुर में इंस्टीट्यूट चलाते हैं स्काई नाम से, और सर गोरखपुर में आपका ब्रांच है, इसके अलावा भी आसपास में भी है? जी, इसके अलावा हमारी ब्रांच फैजाबाद में है, और भी जगह है, लेकिन कोविड की वजह से वो भी बंद है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य देखिए, ये मैं इनका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा कि कंप्यूटर और लैपटॉप में जो है इंग्लिश इंपॉर्टेंट होता है, और इसे ही मार्ग के चल कर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो यार अभी सर से परमिशन ले लूंगा, अगर पूछूंगा कि सर मैं आपके मतलब कि ऑफिस को भी दिखा सकता हूँ, तो वीडियो में क्लिप में ऐड कर दूंगा ये। देखिए दोस्तों ये इनका इंस्टीट्यूट SKAE, एक्सपर्ट इन स्पोकन इंग्लिश, और चलते हैं ऑफिस के अंदर और दिखाते हैं लुक कैसा है। देखिए रिसेप्शन है, कंप्यूटर पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, और ये ऑफिस का स्ट्रक्चर है, पूरा फोटो लगा रखा है कि उन्होंने कि जो जो बच्चे एक्सपर्ट बने हुए हैं, और शेड्यूल सारी चीज़ें हैं। तो एक बार मैं पूरा पूरा ऑफिस का लुक दिखा देता हूँ आपको, कैसा दिखता है इनका लुक। और ये है इंटरनल, और देखिए ये बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, ये अपना कुछ भी, यही मिस्टर पुनीत अग्रवाल जो चश्मा पहन रखे हैं। और देखिए ये कैसा है, ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है आपको ना, तो मेरे मित्र कह सकते हैं, और एक सर भी हैं जिनसे मैं भी कुछ सीखता रहता हूँ। और देखिए इनके क्लास चल रहे हैं लिमिटेड, मैं पूछा सर कितने कम बच्चे क्यों, कह रहे हैं कि हम लिमिटेड बच्चों का क्लास लेते हैं क्योंकि हर बच्चे को अलग से फोकस किया जा सके। और इस तरीके से देखिए ये लड़के मतलब को एजुकेशन चल रहा है, लड़के और लड़के दोनों एक साथ में, अच्छा है और स्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप कंप्यूटर, आप लैपटॉप और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सब आसान है, बस ये है कि मेहनत आपको सिर्फ, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप जो है चाय में चीनी डालेंगे उतना चाय मीठा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लगे रहिए और कंप्यूटर लैपटॉप के साथ में हमारे वीडियोस को देख करके हम प्रयास करेंगे कि आपको इंग्लिश भी सिखाते रहें, और सर के पास आना है अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो बता दूं आपको मैं एड्रेस जो इनका, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर बैंक रोड जगह पड़ता है, बहुत फेमस जगह बैंक रोड है, और बैंक रोड से थोड़ा सा आगे जाएंगे, पूछ लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, इसका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहाँ पर है बता दीजिए, हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस दे दूंगा अगर आप बोलेंगे, और कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहिए एक्स्ट्रा तो पूरा बता सकता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आप यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हुए और लोगों को ज्ञान दिया इसके प्रति, तो लोगों को लगेगा कि इंग्लिश सीखना चाहिए तो आपके पास जरूर कंसल्ट करेंगे, तो मेरा नाम लेंगे तो डिस्काउंट कर दीजिएगा, जरूर कहेंगे जोगिंदर ज्ञान वाले भैया चैनल के देखकर मैं आ हुआ हूँ, वो डिस्काउंट कर दीजिए, तो जरूर आप ख्याल करिएगा, ध्यान कर दीजिए। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में की टॉपिक साथ में, तब तक आप लोगों को।